आज हमारा जो ईवी थ्री व्हीलर का टॉपिक है, हम उसके विषय में समझते हैं, जो कि ईवी थ्री व्हीलर में वायरिंग हार्नेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, कैसे हम उनको टेस्टिंग करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं और कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, हम उसके विषय में प्रॉपर समझते हैं। जैसे कि हमारा ईवीएस कंपनी का ये थ्री व्हीलर है, जो कि हाइड्रोलिक रैम पर ऑलरेडी खड़ा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है हमने, तो इसके विषय में कैसे ट्रेनिंग मिलता है और हमारा जो पैसेंजर होता है उसके विषय में कैसे ट्रेनिंग मिलता है, तो हमने इनको बराबर समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है। तो हम इसमें वीडियो के माध्यम से समझते हैं, जो हमारे ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं ऑन टेबल। पैसेंजर थ्री व्हीलर है, तो इसमें भी जो वायरिंग हार्नेस है और लोडर में जो वायरिंग हार्नेस है उसके विषय में हमने यहाँ पर ऑन टेबल रखा हुआ है। तो टेबल पर जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, इसमें बैटरी, मोटर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट दिए हुए हैं, सब यहाँ पर हमने वायरिंग हार्नेस के माध्यम से समझ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे ईवीकल थ्री व्हीलर के लिए जी तब पूरी वायरिंग समझ रहे हैं। अच्छा, ये थ्री व्हीलर का वायरिंग है? हाँ, थ्री व्हीलर का वायरिंग सब समझ रहे हैं जी, बिल्कुल। और अब डिवीजन कर रहे हैं सब स्टूडेंट जी, बिल्कुल डिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल पार्टों के नाम बताएंगे कि हमारे व्यूअर को भी कुछ मालूम पड़ जाएगा कि बाकी में ये थ्री व्हीलर का वायरिंग हार्नेस है और इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हुए हैं, तो कुछ पार्टों के नाम आप बता सकते हैं कि जिससे कि उनको पहचान हो जाए वीडियो के माध्यम से, क्या क्या लगा हुआ है? मेन जो पार्ट है ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर होता है मेन पार्ट ये, ठीक है। और बाकी के पार्ट? डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, जो हाई वोल्टेज को 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ताकि लाइट और दूसरे स्विच सिस्टम चल सके। बिल्कुल। अच्छा, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर जी। और बहुत सारे ये अदर पार्ट्स लगे हुए हैं कुछ? ये सभी स्विचेस हैं, जैसे हॉर्न स्विच हो गया, लाइटिंग स्विच हो गए, ब्रेक स्विच हो गया, ये स्विचेस हैं। और इसके आगे जो पार्ट आते हैं, बल्ब हो गए या हॉर्न हो गए, वो फिर कमांड आगे पहुँचती है। बिल्कुल। यहाँ तक 12 वोल्ट पहुँचता है, यहाँ पर स्विच ऑन होने पर वो फिर आगे टारगेट तक पहुँचता है, चाहे वो बल्ब हो या हॉर्न। बहुत अच्छा। तो क्या ईवी ट्रेनिंग में जो हमें सीखने को मिल रहा है, क्या बराबर हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है, हमें समझाया और पढ़ाया जा रहा है, हम उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, क्योंकि पहली बार में हमने विजिट किया इस चीज़ को, फिर भी हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया और हमें उम्मीद है कि हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़। बिल्कुल। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल ट्रेनिंग मिलता है, तो किसी भाई को अगर ईवी थ्री व्हीलर का अगर ट्रेनिंग लेना है, अगर ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं या फिर वर्कशॉप ओपन करने का सोच रहे हैं, तो अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कॉल करके हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं।